सेल अप टू 70%। इसमें देखें क्या है भाई, क्या है भैया 70% छूट में क्या दे रहे हैं? अप टू 70 दस से लेके 70% तक ऑफ है। अच्छा, तो ये कोई खास ब्रांड है या लोकल्स है? नहीं, क्या ब्रांड है ये? वीआईपी का प्रोडक्ट है कैफे से। अच्छा, तो दिखाइए एक आध बैग दिखाइए। जैसे देखिए इस पे आपको 55% आएगा। 1440 की ये आपका स्टार्टिंग प्राइस हो गया। अच्छा, 1440 रुपए का ये बैग है। तो ये मटेरियल क्या है? मटेरियल ये हो गया इटालियन लेदर, फॉक्स लेदर, इटालियन लेदर है। इटालियन लेदर और फॉक्स लेदर। अच्छा, अब इधर देखिए इस साइड में आपको न्यू अरावल लगा हुआ। न्यू अरावल मीन्स मतलब कि अभी 20% 30% ऑफ चल रहा है। अच्छा, 20% 30% न्यू अरावल पे। अच्छा, न्यू अरावल, न्यू अरावल पे डिस्काउंट मिलता नहीं। तो ये बैग, छोटा बैग कितने का है? ये बैग आपको आ जाएगा 2000 की। 2000 24.99 है, 20% ऑफ है। अच्छा, 2000 की आएगी। अच्छा, सो अभी क्या सेल होता है ज्यादा? अभी जो सीजन है, अभी सीजन वाइज सीजन तो अभी खत्म हो गया है, अब आने वाला सीजन। अच्छा, अब ये स्टार्ट हुआ ही है सीजन में, जैसे कि अब लगन के लिए हो गया, ब्राइडल के लिए हो गया। अच्छा, स्लिंग हो गया, वॉलेट वगैरह सब ज्यादा सेल होता है। अच्छा, तो ये अभी जो है, अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, कब से कब है सीजन? अभी नवंबर से सीजन स्टार्ट होने वाला है। नवंबर से। तो ये बेसिकली वीआईपी का शोरूम है। वीआईपी का प्रोडक्ट है, वीआईपी का प्रोडक्ट है, कैप्रिसी का शोरूम है। कैप्रिसी का। अच्छा, वीआईपी के अंदर 5 कंपनी आती है। अच्छा, एरिस्टोक्रेट, स्काई बैग, फाल्कन, खुद वीआईपी, एक कैप्रिसी। अच्छा, कैप्रिसी में क्या लेडीज बैग होता है? हाँ, ओनली फॉर लेडीज बैग, लेडीज हैंड बैग हो गया, पर्स हो गया, स्लिंग हो गया। अच्छा, बैकपैक भी मिल जाएगा आपको। अच्छा 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 अच्छा, पर्स भी मिल जाएगा, ब्राइडल पर्स। अच्छा, सो क्या ले रही हैं मैम, क्या पसंद किया आपने? क्लच बैग लेना चाह रहे थे। अच्छा, ये इसको क्लच बैग कहते हैं? जी जी जी। हाँ जी। और इसमें आप रख सकती हैं अपना एटीएम कार्ड, पैसा, और भी कुछ कागज पत्र, मोबाइल भी रख सकते हैं। कुछ कैश हुआ, कुछ चेंज हुआ, मतलब छोटा मोटा शॉपिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये इस बैग को फिर किसी बैग में डालिएगा या? वो ट्रेवल के समय ये होता है। अच्छा, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट इसमें रख दीजिए। ये लोकल मार्केटिंग करने के लिए। अच्छा, ये लोकल जो बड़ा बैग है उसको इसके अंदर डाल। तो मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। सो आप अगर अपना परिचय बताना चाहें तो बताइए। हाँ, बता दो क्या। सर, हम आसियाना रामनगरी से हैं। अच्छा, नाम सुधा है। अच्छा, और ये हमारे हस्बैंड हैं, रेलवे से रिटायर हुए हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो आसियाना से आई हैं, ठाकुर बारी रोड, कैसे आई हैं आप यहाँ? हम लोग यहाँ एक्चुअली आए थे कृष्णा का एक्सेसरी शॉपिंग करने। अच्छा, जन्माष्टमी के लिए आप इस इलाके में आई थी, वरना इस इलाके में जल्दी लोग आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भीड़ रहती है, बट बारिश के दिनों में प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। हम लोग बाई बर्थ यही के हैं। अच्छा, बाई बर्थ यही, पटना में ही रहते हैं, कोई नया हमारे लिए ठाकुर बाड़ी रोड नहीं। तो बताइए कुछ पटना के बारे में। तो क्या पटना के बारे में, कैसा पटना, क्या कैसा है पटना? आज से 40 साल पहले जो पटना था और आज का पटना फर्क है ना। कभी कभी आप 10 साल के बाद अगर पटना आएंगे तो भूल जाएंगे किस ओवरब्रिज पर मैं चढ़ूं, कि मतलब आसियाना पहुंच जाऊं, कि राजा बाजार पहुंच जाऊं, कि एयरपोर्ट जाऊं। ये डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है, अपना बिहार बदल रहा है। म्यूजियम इतना बढ़िया ये बना है, बुद्धा पार्क बना है, रेलवे स्टेशन जाकर देखिए, तो ये सारी चीजें बहुत मैंने काफी चेंजेस हुआ है, रेलवे और स्टेट दोनों मिला करके। तो आप तो आसियाना में रहते हैं, रामनगरी मोड़ के तरफ है, नया इलाका है वो, पिछले 30-40 सालों में बसा है। हाँ, 30-40 सालों में, लेकिन मैं 16 साल से हूँ। आप 16 साल से? मैं पहले खगोल में था। खगोल में था। ये इलाका जो बिहार का पटना का सबसे पुराना इलाका है, ये कैसा लगता है आपको? अंतर लगता है कुछ नए इलाके और पुराने इलाके में? थोड़ा बहुत। अरे हथुआ मार्केट आपका 100,000 तक मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। आपका हथुआ मार्केट वगैरह तो सब बहुत पुराना ये सब इलाका है, PMCH हुआ, ये सब तो बहुत आज का थोड़ी सब है। तो बाकी परिवार के जो सदस्य, ये यंग जनरेशन पटना में है या? नहीं सर, तो हमारे बच्चे बाहर हैं, हैदराबाद में हमारी बेटी जॉब करती है और वहीं सेटल भी हो गई है, शादी कर दी है मैंने।
तो वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो बेटी है, एक बेटी दो है, दो बेटी दो है। अच्छा, एक हैदराबाद में है, दूसरी कहाँ है? दूसरी वही है, एडवोकेट है। अच्छा, सिविल कोर्ट में जाती। सो देखिए, ये है पटना की खासियत कि पटना में रह जाते हैं रिटायर्ड लोग, बुजुर्ग लोग, अलग बुजुर्ग नहीं है, दे आर यंग कपल्स, उम्र भले ज्यादा है, दे आर हैप्पी पीपल, रिटायर्ड है रेलवे से, मगर दोनों जो यूथ है दे आर माइग्रेटेड टू हैदराबाद। हाँ, एक एज अ लॉयर काम कर रही है, लॉयर एज अ कोर्ट में काम करती है, कंपनी में काम करती है, कोर्ट में, हैदराबाद कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मल्टी कोर्ट में। इस वक्त तो जो जो हमारे जो पुलिस डीजीपी हैं वहाँ, अंजनी जी, वो भी पटना के ही हैं, पटना कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सेंट जेवियर्स के पढ़े हुए हैं। सो हैदराबाद भी कई लोग पटना से माइग्रेट कर चुके हैं। क्या अंतर है पटना में और हैदराबाद में? काफी अंतर है पटना और ये, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन और लोगों का जो मतलब बिहेव है, या किसी तरह का, जैसे किसी शॉप में आप जाते हैं तो वहाँ का गार्ड बोलता है कि सर यहाँ गाड़ी नहीं लगाइए, यहाँ लगाइए। पटना में अगर बोलिएगा तो पटना में आज भी वही है कि थोड़ा सा आदमी का जो है बिहेवियर अच्छा नहीं है। नहीं, थोड़ा सा मतलब उससे डिस्कशन हो जाएगा, डिस्कशन। लेकिन वहाँ के लोग जो है चुपचाप, लोग वहाँ के जो है इतने डिसिप्लिन है कि अगर ये गार्ड भी बोल देता है तो लोग वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ नहीं लगा के। तो आपका ये कहना है कि पटना के लोग हैदराबाद के लोगों से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बातचीत जो सभ्य नहीं होते हैं? नहीं, देखिए, लेकिन पुलिस भी तो, हमारी पुलिस और उनकी पुलिस में आपको क्या अंतर नजर आता है? पुलिस से तो कभी मतलब भेंट नहीं हुई है। अच्छा, इसलिए कि पुलिस से कभी बात ऐसा हो भी ना हो, अच्छा, भगवान ना करे कभी पुलिस से मतलब भेंट हो। पुलिस भी ठीक है, ऐसा नहीं है। गार्ड का मतलब मेरा ये था, जैसे शॉप पे जो गार्ड और जो लोग होते नहीं, बिहेव में अंतर आता है। जैसे बिहार के ही लोग हैं, अगर वो वहाँ गए तो वो चेंज हो जाते हैं। वहाँ कॉपरेशन बढ़ जाता है। अच्छा, वो वहाँ ज्यादा सिविलाइज हो जाते हैं, ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ अपना रफ लाइफ स्टाइल, रफ लैंग्वेज, सारा मतलब, तो यहाँ तो नेता से लेके अभिनेता तक सबका बिहेवियर वैसा ही है। हम लोग तो हिंदी भाषी हैं, लेकिन जब हम लोग बयानबाजी देखते हैं तो बयानबाजी में भी तू ताम ये सब देखते हैं। बड़े 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 नेताओं में देख लेते हैं यहाँ, उनको उनके मन में भी, उनके व्यवहार में भी सामने वाले के प्रति उतना इज्जत या उतना गुड बिहेवियर उनका आज नहीं है। एक आदमी अगर थोड़ा हाइपर हो रहा है तो सामने वाला अगर थोड़ा अपना सॉफ्ट नेचर, अगर ईगो खत्म करके सॉफ्ट अगर हो जाए तो फिर अंतर आ जाए। अब तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी एजी टूटू माया स्टार्ट हो गया। थैंक यू। सो मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और मैं चाहूंगा कि आप भी सर बताइए, रेलवे तो बहुत स्पीड में, बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, आप अपना परिचय बताइए थोड़ा। रेलवे के बारे में, जो हड़ताली मोल पहले था तो वहाँ का जो लैंड था वो इन्होंने मतलब बाई पेपर, वो जो हम मैं समझ गया, जो जो चला आर ब्लॉक से, उसके बारे में यही बता सकते हैं। उस समय लैंड का सेक्शन इनके जिम्मे था, वहाँ से जो है वो जो लैंड जो था वो हमारा मतलब रेलवे का, उसको कौन सा अटल पथ कहते हैं, अटल पथ ही है सर, अटल पथ ही है। तो उसको हम लोगों ने नीतीश जी को हैंड ओवर किया। अच्छा, और इसको हैंड ओवर हम लोगों ने किया था यहाँ, क्या बोलते हैं, ये जो गांधी मैदान के पास जो है आपका विज्ञान भवन, विज्ञान भवन है जी, विज्ञान भवन के बगल में भी एक और है, ये हॉल है, वही हम लोग किए थे। और ये किए थे हम लोग 2019 में, ज्ञान भवन 2018 में शायद किया। 18 में। अच्छा, तो एनीवे ऑल द बेस्ट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी तो पटना में मेट्रो भी आ रहा है, आप हैं पटना में मेट्रो भी बन रहा है, कैसे आप देखते हैं पटना में जब मेट्रो आएगा? तो अब देखिए, अब आगे का तो इसलिए कि जब आदमी उस पर जब स्टार्ट होगा, आदमी चलेगा तब ना वहाँ का देखेगा आदमी कि हाँ कि पटना का मेट्रो कैसा है, और वहाँ का जो है जब यहाँ से जब स्टार्ट जब हो गए तो लोगों का डिसिप्लिन कैसा रहता है, क्योंकि अदर स्टेट और थोड़ा सा यहाँ का तो स्टेट पे तो आप मतलब यू नो एवरी थिंग। एनीवे हम लोग अच्छा सोचते हैं।